पीछे शोर बहुत आवाज नहीं सर। आज ये जथेदार साहब आज हो गए हैं सब लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जथेदार साहब आज ये जो आयोजन किया गया है क्या इसका वजह थी, क्या वजह पड़ी इसका इस तरह के आयोजन करने के लिए? देखिए डेमोक्रेसी में जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है। माइक नीचे करिए टीवी की। इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पंजाब में खास तौर पे बहुत सारे मीडिया चैनल या प्राइवेट चैनल यूट्यूब चैनल जो हैं उनको बैन कर दिया गया। ये बात गलत है। मीडिया पे पाबंदी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया को अपना काम जो करने देना चाहिए। सरकार से सवाल पूछने का मतलब कोई देशद्रोह करना नहीं होता है। लेकिन सर जथेदार साहब जिस तरह से आज जो पूरे तलवंडी साहब में माहौल देखा गया, खबरें चली कि जी अमृतपाल जो है वो यहाँ पे सरेंडर कर सकता है, फ्लैग मार्च हुआ यहाँ पर, हर तरह की यहाँ पे पुलिस फोर्स हमने बाहर देखने को मिली। आपने कही अमृतपाल सिंह देखा यहाँ पे, ये सब फेक जो न्यूज़ है वो चलाई गई है। एक बेवजह पैनिक क्रिएट किया गया है क्योंकि 14 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट खालसा साधना दिवस होता है, लाखों की तादाद में सिख संगत जो है वो आती है। कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है ये बात डालने का जत्न किया जा रहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, शांति है और शांति है। एक ग्रुप बनाने की बात आपने कही है, कैसे ग्रुप बनेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? हम जो प्रेस की मजबूती के लिए काम करना चाहते हैं उन सभी को शामिल। अच्छा जथेदार साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है? आपने अपील भी की? देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए।